ला 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 ला, मैं आ गया। हाँ? हाँ? तोड़ी, तुम ये भी काम कर लेते हो? हाँ, बहुत अच्छे से। वाह, तुम्हारा तो जवाब नहीं है तोड़ी। पता है, हमें निंजा स्कूल में हर तरह का काम सिखाया जाता है। देखना सब कितनी अच्छी चीजें बनेंगी। हाँ, मैं भी एक बड़ी आइटम बना रहा हूँ। चलो, मैंने कल का सारा होमवर्क कर लिया है। हाँ, हाँ, अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया, कल हमारी आर्ट क्लास है और मुझे उसके लिए कुछ चीज बनानी थी। केनिची बेटा, अपना होमवर्क पूरा किया? हाँ हाँ, अब मैं क्या करूँ? हाँ, आइडिया। छूना मत। निंजा हथौड़ी के होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकते। नींद में बड़बड़ कर रहा है। बहुत अच्छा है। केनिची इतना बढ़िया नहीं बना सकता, जरूर कुछ गड़बड़ है। ओह, देखूं तो केनिची ने क्या बनाया है। ओह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये बोर्ड तुमने बनाई है। सर, आज आप यकीन कर ही लीजिए। तुमने पहले कभी ऐसा कुछ बनाया नहीं ना, तो यकीन कैसे करें? हाँ? मैं तो हैरान हूँ कि तुमने एक ही शाम में इतनी बढ़िया बोर्ड कैसे बना ली। इंसान में काबिलियत हो तो ये बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, वही तो। अच्छा अच्छा, अब मैं समझ गया बात क्या है, तुमने मदद ली है ना? हाँ, मैं वही कहने वाला था। अरे, यानी कि तुमने नहीं बताया, तुमने हथौड़ी से बनवाया इसलिए ये इतना जल्दी और बढ़िया बना है। हथौड़ी ने बनाया है, इसका मतलब तुमने हमसे झूठ बोला। नहीं सर, मैंने बनाया है। तुमने इसमें हथौड़ी की मदद ली है ना? हाँ, पर बनाया तो मैंने ही है। अच्छा, तो केनिची तुम ऐसी एक और बना सकते हो? हाँ, बना सकता हूँ। अरे, तो फिर हमें बना कर दिखा दो। ये तुमने बनाई है या नहीं? हाँ, लेकिन अब मैं नहीं बना सकता। हाँ? इसका मतलब कि ये बोर्ड वाकई हथौड़ी ने बनाई है। मैंने ऐसा भी तो नहीं कहा। हाँ? युमिको, तुम? मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुमने वो बोर्ड बनाई है ना? मैं जानती थी, मुझे मालूम था तुम इस बारे में मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे। लेकिन क्या फायदा, यहाँ तो कोई मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं मानती हूँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं जानती हूँ कि तुम उससे भी बढ़िया बोर्ड बना सकते हो। केनिची, एक और बोर्ड? हाँ, अपने हाथों से और एक बोर्ड बनाओ और सबको दिखा दो। अपने हाथों से? हाँ केनिची, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम देखना युमिको, मैं उससे भी बढ़िया बोर्ड बनाऊंगा। ये हुई ना बात। तुम मेरा साथ दोगी ना? हाँ। अब आएगा मजा। मैंने बोर्ड के आकार की लकड़ी तो अच्छे से काट ली है। केनिची, युमिको आई है। हाँ, युमिको आ गई। अब उसे यकीन हो जाएगा कि वो बोट मैंने ही बनाई थी। आया। डिंग डिंग, केनिची को कब से इन कामों में दिलचस्पी होने लगी? ये तो टेढ़ा मेढ़ा तराशा है। ये तो कश्ती बना रहा है। मैं इसका आकार थोड़ा सा सही कर देता हूँ। नया काम सीख रहा है। मैं कब से उसी काम में लगा हुआ था, सोचा कि बोर्ड बना ही लूं। केनिची, मुझे भी तो वही देखना है। अभी तो बस शुरुआत ही की है। आओ आओ। तोड़ी। मैंने इसका आकार सही कर दिया। देखो, मैंने इसे ठीक कर दिया। अब ये सही मायने में कश्ती की तरह दिखाई दे रही है। तुमने मुझे झूठ बोला। नहीं, वो मैं ही बना रहा था। चुप रहो। युमिको, मेरी बात तो सुनो। हथौड़ी तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। युमिको। डिंग डिंग। युमिको, मेरी बात तो सुनो, वो बोट मैं बना रहा था, हथौड़ी नहीं। मैंने हथौड़ी को बोट बनाते देखा, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? युमिको, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपने हाथों से उसकी शुरुआत की थी। तराशा तो उसी ने था ना? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हो गया घोटाला।
केनिची के बाहर जाने के बाद मैंने वो नाव हाथ में ली और मैं तराशने लगा। तुम्हें कोई और वक्त नहीं मिला जब युमिको आई तभी तुम्हें उस बोट को तराशना था। मैं तो बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था। वैसे कहा जाए तो मैं युमिको को भी ये सिखा सकता हूँ जो कि मैंने अपने स्कूल में सीखा है। ये बहुत ही आसान है। सच्ची? क्या मैं ये सीख सकती हूँ? हाँ युमिको, तुम चाहो तो हथौड़ी तुम्हारी मदद कर सकता है। मैं नहीं चाहती कि हमारा मेरी चीजें देखकर कहे कि हथौड़ी ने बनाया है। क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें स्कूल में इसका प्रोजेक्ट मिला है? वो ऐसा हुआ कि केनिची जो नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं। चलो युमिको, अच्छा बाय हथौड़ी। छोड़ा है। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता दोस्तों, बस उसे ध्यान लगाकर और मन लगाकर करना चाहिए। आप भी कर देखें। डिंग डिंग। छुट्टियाँ हो गई, अब हम मजे करेंगे। रुको बच्चों। हाँ कहिए सर। सब छुट्टी मनाने के मूड में हो? तुम तीनों मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों एक गुरु शिष्य परंपरा पूरी कर लो। हाँ, वो क्या परंपरा है? हमें बताइए ना सर। हाँ हाँ बताइए ना, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आपकी बात मानने में हमें बेहद खुशी होगी सर। वो बहुत ही पुरानी परंपरा है और वो है गुरु का शिष्य के साथ यामी खाने की परंपरा। यामी खाने की? वो क्या है सर? हाँ मुझे मालूम है, ये परंपरा तो सदियों से चली आ रही है। ओह तुम तो बहुत ही जानकार हो हमारा। क्या आप ये परंपरा मेरे घर पर पूरी करना चाहेंगे? नहीं नहीं सर, हमें तो किसी के भी घर जाने की जरूरत नहीं है। केनिची, तुम युमिको को लेकर कल शाम को बगीचे में आ जाओगे? हाँ मुझे मंजूर है। ठीक है तो फिर तय रहा, हम कल शाम को बगीचे में यामी बनाएंगे। ठीक है। अरे वाह बहुत मजा आएगा। क्या करेगा बेचारा? केनिची बेटा क्या कर रहे हो? मैं सामान इकट्ठा कर रहा हूँ मम्मी, हमें सर के बगीचे में यामी जो बनानी है। यामी बनानी है? नी 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 नी। यामी बनाने की परंपरा है? थोड़ी तुम्हें ये मालूम है? ये तो सदियों से चली आ रही है, गुरु शिष्य परंपरा है। हमारे निंजा स्कूल में भी इसका पालन होता है। गुरु और शिष्य को आग पर पट्टी बांधकर उपलों पर बनी सब्जियों को खाना होता है। अगर आपके हाथ उपला लगा यानी आप अच्छे शिष्य नहीं हैं। हाँ, आँख पर पट्टी बांधकर खाना पड़ेगा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ? अगर मन में सच्चाई हो और इरादा नेक हो तो दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, याद रखना। लेकिन फिर भी क्यों? ठीक बना रहा हूँ ना क्यों? थोड़ी और मिर्ची डाल देता हूँ, ये खाते खाते उसका दम निकल जाए। ये लो, अब दिखा दूंगा उसे। तुम्हें लगता है कि प्लान कामयाब हो जाएगा? ये लो दोस्त, एक बढ़िया चीज तो बन गई। अब दूसरी बनाता हूँ। ये लो दूसरी चीज भी बन गई। चलो कियो, अपना असली सामान तैयार हो गया। जो खाएगा वो याद करेगा। ये बढ़िया सामान तो मेरे प्यारे दोस्त केनिची के लिए बना है। हो गया घोटाला। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, वहाँ युमिको और अमारा भी होने वाले हैं। तुम उस अमारा से जरा बचकर रहना। अरे हाँ युमिको, वो तो कब की बगीचे में पहुँच गई होगी। चलता हूँ। ना जाने ये केनिची कब शांति से काम करना सीखेगा। सर मैंने उपले डालकर आग तो जला दी है, अब आप युमिको को सामान काटने में मदद कीजिए। ठीक है, तुम आग को बुझने मत देना। युमिको! माफ करना देर हो गई। अरे तुम लोगों ने यामी का सारा सामान काटना शुरू कर लिया। लेकिन मुझे काटना नहीं आता। क्यों केनिची, क्या तुम्हें उससे सब्जियाँ काटनी आती है? हाँ बहुत अच्छे से आती है। युमिको तुम्हारे हाथ में जो सब्जी है वो ऊपर उछालो। केनिची तुम क्या करोगे? अब आएगा मजा। मुझ पर भरोसा रखो और सब्जी फेंको। ठीक है जैसे तुम कहो। हाँ, हाँ, अरे क्या?
ओए बच्चे की जान लोगे क्या? वो चाकू मेरे हाथ से थोड़ा फिसल गया है और कुछ नहीं। अगर इसने दोबारा कोशिश की तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब तो काट कर ही रहूँगा। तुम नीचे देखकर काटो। हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। केनिची की मदद नहीं की तो युमिको के सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। सब्जी काटो, सब्जी काटो, सब्जी काटो। बहुत अच्छे केनिची। मैंने कहा था ना मैं काट लूंगा। ओए, ये केनिची सब्जियाँ काटने में इतना माहिर कब से हो गया? सब्जियाँ कट गई हैं, अब इन्हें कढ़ाई पर पकने के लिए डाल दो। जी। क्या तुम्हें कोई काम नहीं करना हमारा? मैं निगरानी का काम कर रहा हूँ ना। अरे आज तो बहुत तेज हो गई है। पानी डालता हूँ। तुम्हें केनिची के मुंह का निवाला बनना है, समझे मेरे दोस्त? दो मिनट में ये खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आग पर पट्टी बांध लो। हाँ सर। हाँ सर। मैं बिल्कुल तैयार हूँ सर। चलो अपनी चॉपस्टिक्स लो और मेरे शुरू करते ही खाना शुरू करो। बहुत ही मजा आने वाला है। हाँ हाँ युमिको, ये हमारा पहला अनुभव है, देखते हैं क्या होता है। अरे वाह, अब शुरू करते हैं। केनिची तुम ये खाओ ना। मेरे हाथ कुछ बड़ा लगा है। ये हमारा अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। जादुई तारो निकलो। मेरा वो खाना कहाँ चला गया? अरे अरे ये क्या? हाँ लगता है अब सही खाना है। जो तुम्हारे हाथ लगा है शायद मेरे हाथ भी वही लगा है, यानी हम लोग साथ हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है हमारा? अरे ये क्या हो रहा है? मेरी स्टिक को क्या चिपक गया? ये गलत है। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। डिंग 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 डिंग। वाह क्या खुशबू है। ये कौन चिल्लाया? ओ भाग्या। मेरे खाने का बंदोबस्त हो गया। ये सब मेरे लिए है। हाँ तुमने मेरी मदद जो की है। चल क्यों, बढ़िया खाने के लिए तो कुछ तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। अरे देखो अभी क्या चूहों के पीछे भागने लगा है। वह चुप करो, वो जनसेवा कर रहा है, समझे? ये कोई जनसेवा नहीं है, ये तो कोई पेट पूजा है। अगर बिल्लियाँ चूहों का ना खाए तो सोचो क्या होगा। अब बस भी करो। वही बस भी करो क्या, तुम्हारा घर में जीना मुश्किल हो जाएगा, समझे? हमारे घर में चूहे हैं। अरे वो देखो वहाँ युमिको है। युमिको आई, कहाँ है मेरी युमिको? कहाँ है? लगता है मुझे चूना लगा कर चले गए, लेकिन इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। भाग गया चूहा। कियो उस चूहे के पीछे क्या दौड़ रहा था ना? पता है ना वो एक नंबर का भूक्कड़ है। भाई क्या वाकई में हमारे घर में चूहे हैं? रुको मैं दीवार से कान लगाता हूँ और पता चल जाएगा कि चूहा है या नहीं। वो है, वो है, अपने दोस्तों से बात कर रहा है। बात कर रहा है? दोस्तों को बता रहा है कि उसके और कियो के बीच क्या क्या बातें हुई। अरे वाह, मैंने चूहा पकड़ लिया। मुझे मत खाओ, मुझे छोड़ दो प्लीज। क्यों छोड़ूं तुम्हें? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझ पर ये मेहरबानी कर दो। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बनकर रहूँगा, बस मुझे जिंदा छोड़ दो। मैं एक मामूली सा चूहा हूँ जो अपने पूरे परिवार का पेट पालता है। सोचो अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे साथ मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा, सब खत्म हो जाएंगे। क्या कह रहे हो? देखो तुम मेरी बात मान लो, मुझे रस्सी से बांध कर ऐसा जुल्म मत करो प्लीज, मेरा पूरे परिवार खत्म हो जाएगा। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। तुमने तो मुझे पिघला दिया, ठीक है तुम जा सकते हो। तुम कितने अच्छे हो, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। देख लेना कि वो उसे हमारे खिलाफ जरूर इस्तेमाल करेगा।
तो हमें जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। फिक्र मत करो, हम उसे मुँह तो चला देंगे। हम भी कुछ कम नहीं है। हाँ, वो आएगा यहाँ तो मुँह की खा कर ही जाएगा। अब तुम ही बताओ कि इसमें कियो की क्या गलती है, उसने तो सेवा ही की है ना? हाँ, एक तरह से अगर हम चूहों पर काबू ना रखे तो वो घर में तहलका मचा देंगे ना? पर उन्हें कौन समझा है? तुम्हारा कियो तो फट्टू निकला। केनी जी, ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा? गड़बड़ घोटाला। हाँ, छोड़ दिया मैंने इस चूहे को, मेरी मर्जी तो क्या हुआ। तो क्या ये भी नहीं सोचा कि इससे हम दोनों की कितनी बेइज्जती होगी? नहीं सोचा। दिमाग से तो तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है ना? ओए, अब जाओ और उस चूहे को अच्छा मजा चखाओ, हमारी इज्जत का सवाल है। मैं कोशिश करूँगा। मैं किचन में छुपता हूँ, कभी ना कभी तो वो चूहा इस तरह जरूर आएगा। हाँ, ये शोर कैसा? रुकिए, मैं देखता हूँ। नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें पकड़ के रहूँगा। ये सब तुमने क्या किया, ये क्या हो रहा है कियो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुमने ऐसी हरकत की। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी वजह से मम्मी को कितनी तकलीफ हुई पता है? मुझसे गलती हो गई। तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी, अब बड़ों को तुम्हारी वजह से तकलीफ होगी। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, मैं कान पकड़ता हूँ। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। और तुम भी चू 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 चू, अब जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। ऐसा क्या करने को कहा है तुमने उसे? चुप रहो और जो हो रहा है उसे देखते जाओ, समझे? शुक्रिया। ओफो, कहाँ से शुरू करूँ? ओ बाप रे, इतने सारे, संभल कर जाना। हाँ, ये तो सब कल दिखा रहे हैं। अब तुम समझ गए ना कि मैंने उन्हें क्या कहा था? प्यार से सही बोल बोलो तो कोई भी आपकी बात समझ जाता है, समझे? मैं समझ गया थोड़ी। तो याद भी रखना। यकीन नहीं होता कि सारे चूहे चले गए। मैं पिछले 3 महीनों से परेशान थी उन सब से। ये तो बड़ा मुश्किल काम था। बिल्कुल मुश्किल काम नहीं था, मैंने उन्हें प्यार से समझाया और वो घर से जाने के लिए मान गए, बस और क्या। शुक्रिया हथौड़ी। देखा, आज तो हथौड़ी ने वाकई में बहुत बड़ा काम किया है, जो काम हम नहीं कर पाए। तुम आ गए हमारा। इस बार हम नाकाम हुए तो क्या, मैंने एक और बहुत बढ़िया प्लान सोचा है। क्या मास्टर प्लान सोचा है क्या? ओए क्या बताओ कियो, ऐसा प्लान सोचा है कि इन्हें दिन में तारे नजर आ जाएंगे। और जानते हो, वो प्लान कामयाब होकर ही रहेगा। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई भी गलत प्लान कामयाब नहीं होगा, ये मेरा वादा है, याद रखना। निंग 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 निंग।